गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि सुबह हो चुकी है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा, और एलजेब्रा जो है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता होगा पर पता होना भी चाहिए, अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में तो इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखते हो सीडीएस सीपीओ में भी इसके वेटेज बहुत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा को। एलजेब्रा का हिंदी क्या होता है भाई? बीजगणित होता है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझते हैं बातों को, ठीक है। मैं कुछ फॉर्मूला लिखने वाला हूं, बहुत सारी बातें मैंने आपको पीछे भी बताई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तमाम चीजें, है ना। आज हम लोग थोड़ी फॉर्मूला पे इस चीजों को देखेंगे। मैं बोलता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, समझिए मेरी बात को, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैं लिखता हूं ए माइनस बी का द होल स्क्वायर, ये क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा, करेक्ट। तीसरी बात मैं आप सभी को लिखता हूं, तीसरी बात मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। ये जो हमें होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, करेक्ट। या हम ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, करेक्ट। फोर्थ फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है अपने पास में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात समझना होगा, देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे a प्लस बी का हमने होल स्क्वायर किया, करेक्ट। तो अगर मैं इस दोनों टर्म को रखता हूं तो ये वाला टर्म इधर रहेगा। तो एक बात और समझ जाना, यहाँ पे साइन का चेंज भी होता है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो इधर आप दो देख रहे होंगे कि सबट्रैक्ट का साइन। मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी देखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो निगेटिव है तो उससे पॉजिटिव होता है, करेक्ट। सेम ऐसा ही चीज आपके साथ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। अगर मैं प्लस फोर ए बी कर दू, क्या कर दू, प्लस फोर ए बी कर दू मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताएगा कि नहीं बताएगा, कैसे? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, प्लस फोर ए बी करोगे तो टू ए बी आंसर आने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पर माइनस फोर ए बी कर देते हैं तो मामला सेट हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए, ठीक है। यहां तक अगर बात सभी को समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जो हमारे पास फिफ्थ फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमें क्या देखने को मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट्स में रहना भी चाहिए क्योंकि आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन भी है, ठीक है। अब यहां से जो मामला स्टार्ट होता है वो कुछ कंडीशन वाली चीजें स्टार्ट होंगी, आपको देखना भी होगा, करेक्ट। एक बार इसको कीजिए, ठीक है। अच्छा ये भी एक बार राइट डाउन कर ही लो फिर, अगर इतनी काम की हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, करेक्ट। सभी एक बार राइट डाउन करना, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो कुछ कंडीशन वाली चीजें होती है, मैं इसके बाद डायरेक्ट ही राइट डाउन कराऊंगा, उसको समझने की भी जरूरत है मैं, ठीक है। देखो मैं आपसे कह रहा हूं सुनना, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये कब होगा भाई, जब a की वैल्यू जीरो हो जाए और b की वैल्यू जीरो हो जाए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो होता है। एक तो हमारे पास में ये मिलेगा, दूसरा हमें क्या मिलेगा वो समझ जाओ, a की वैल्यू माइनस बी होगी और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी कि a और b जो होगा ना उसकी वैल्यू सेम होगी, उसका साइन सिर्फ अपोजिट होगा, मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप समझना मेरी बात को, किसी का भी जब आप पावर लेते हो ना, इवन पावर होता है, उसकी डिग्री जो होती है वो इवन होगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, अगर निगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही है, सर वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर करोगे, हाँ ना, तो ये तो टू आ जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास में ए
एंड बी इज इक्वल टू जीरो की इक्वल कर देगा सभी। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो उसका समीशन जीरो आ रहा है तो आप उसकी वैल्यू को जीरो के इक्वल करोगे ए और बी की। ठीक है, चलिए तीसरी बात मैं आप सभी से करता हूं, बहुत ही अच्छी बात है, समझना मेरी बात को। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखकर और ध्यान से लिखने की जरूरत है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, करेक्ट। ये कब इक्वल होगा तो आपके दिमाग में बातें आ भी रही होंगी, मैंने इसको पहले पढ़ाया भी होगा आप सभी को, थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा, है ना। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर ये ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा तभी जाके, कुछ भी वैल्यू ले लो। अगर हम लोग वन लेते हैं तो वन प्लस वन प्लस वन क्या हो जाएगा भाई, थ्री हो जाएगा। और ये वन इंटू वन, वन इंटू वन, वन इंटू वन कर दे तभी भी थ्री होगा। टू की वैल्यू पे चेक कर लो, टू टू जा फोर प्लस फोर प्लस फोर हो जाएगा एज इट इज। इसमें भी देखते हैं टू इंटू टू, टू इंटू टू, टू इंटू टू कर गया है। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, वहां पे भी 12 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी के इक्वल होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं मेरी बातों को, है ना, समझते हैं बातों को। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, करेक्ट। अगर ऐसी बात है मेरे प्यारे बच्चों तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर यहां पे क्या होगा ना कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू माइनस वन के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि देखो ये आपको बताया गया है जो कि गलत है। ठीक है, कहीं पे भी एक बुक में ये लिखी हुई, खैर मैं उस बुक का नाम मैं नहीं लूंगा। हाँ देखो, अगर वन में रखोगे तो ये वन ये वन ये वन ये तो थ्री के इक्वल हो जाएगा और ये माइनस थ्री के इक्वल होगा। तो ये वाला कंडीशन जो लिखा गया ना, वो जहां पर जिसका रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, बच्चों ने ही बताया था हमें, है ना, ये गलत है। ठीक है, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे, समझना, इसको जीरो के इक्वल ही रखोगे तभी जाके क्या होगा, ये आपस में इक्वल होंगे। ये करेक्ट और सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो इतनी बात सभी ने राइट डाउन कर ली होगी, एक बार राइट डाउन कर लो सभी सभी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कुछ बातें और भी देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया, समझना मेरी बात को, 2a प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया, समझना मेरी बात को। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आपके दिमाग में ये बात एक आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए भाई, कि सर ऐसा है कि अगर अभी मैंने जस्ट इसके पहले ये देखना, ये कंडीशन मैं बता रखा हूं, ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता रखी है। कहां गया भाई, ओ भाई देखो ये कंडीशन ऑलरेडी बता कि अगर किसी का स्क्वायर का समेशन अगर जीरो के इक्वल होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर यहाँ पे क्या करता है ना, हम उस टर्म को जीरो के इक्वल कर देंगे। तो आपके दिमाग में बस ये बात आनी चाहिए कि सर इसको भी जीरो के इक्वल कर देते हैं पलो, और इसको भी जीरो के इक्वल कर देते हैं, करेक्ट। तो ये जो मामला बनेगा वो 2a इज इक्वल टू माइनस वन, देखो मैं आपको समझा ही देता हूँ, 2a प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, समझना, और 4b प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, करेक्ट। तो यहां पे 2a इज इक्वल टू माइनस वन और a इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एज इट इज इसके साथ भी करेंगे, फाइन। 4b इज इक्वल टू माइनस 3 और 4b इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4। सारे बच्चे एक बार राइट डाउन करना, समझना मेरी बात को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी सभी एक बार राइट डाउन करेंगे, फाइन। ठीक है ठीक है, चलिए अपने बीच में एक क्वेश्चन है, और एक बार मैं फ्रेम से हट भी जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखता रहे, है ना, तब इसका आंसर करेंगे। और मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइमर भी दे देता हूं, एक बार प्रैक्टिस करो, है ना, एक बार प्रैक्टिस करो सभी, टाइमर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, अब खुद से ट्राई करते रहना, उससे क्या होता है ना कि आपको
खुशी मिलेगी, हाँ या ना? देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में भी आई होगी और आपने किया भी होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में ये बात तो आ ही रही होगी, है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b प्लस 6a माइनस 13, ए प्लस बी की वैल्यू बताए। देखो एक बात हमेशा याद रखना इस बात को कि अपने पास में अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट, ये फॉर्मेट को हमें पकड़ना हो। अगर ये बात आपने अगर आपके दिमाग में आ गए तो चीजें बहुत ही इजी होती चली जाएंगी, इस बात को समझना। देखना जैसा हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b प्लस 6 से माइनस 13। तो अभी आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, अच्छा सर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, है ना, हमें लगता है दो तो रहेगा, एक तो ए के साथ में आएगा, है ना, और एक बी के साथ में आएगा, करेक्ट, समझना मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चे। अभी आपके दिमाग में ये बात आ रहा हूं सर ए स्क्वायर, ठीक है, समझना मेरी बात को, माइनस सिक्स से पहले तो हम क्या करेंगे ना, वो फॉलो करेंगे किस बात को भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो को, यानी राइट साइड हमें क्या करना होगा, जीरो की इक्वल करना होगा, तो सारे टर्म को हम इधर लेकर आते हैं। ठीक है, पहले मैं इधर लेके आता हूं, मैं राइट डाउन कर देता हूं, एक फॉर्मेट भी बना देता हूं ताकि आपकी समझ बढ़े हुए। ठीक है, ये समझना, 6a को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके यहां पे लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और 4b को इसके सामने रख देते हैं, इजी हो जाए थोड़ा सा, और माइनस माइनस इसको प्लस 13 कर देते हैं, इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मेट जो है ना, इस फॉर्मेट में आप लोग देख रहे होंगे ये जो है अपना वो 2ab की तरफ वर्क करेगा, कैसा काम करेगा भाई, 2ab की तरफ वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, समझना मेरी बात को, ए स्क्वायर तो है ना, अब इसमें 2 तो कॉमन हो गया और a की जगह a है, है ना, तो जो तीसरा जो टर्म होगा अगर मुझे 6a बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो अपने पास में क्या होगा भाई, आपको अगर सर माइनस 3 होगा तभी तो 3 2 6a होता है कि नहीं होता है, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, एक बार सारे बच्चे बोलना हाँ, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एक बार क्लियर एंड कट शब्दों में मैं बता देता हूं। ठीक है, अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो 2 तो कॉमन है और एक b है, तो b लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। अब 4ab बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें माइनस 2 रखना होगा तभी ये जाके 4b बनेगा। इस प्रकार हमने ये देखा कि अब हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बना रखा है। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहता हूं ये क्वेश्चन मैं इजी तरीके से पढ़ाता हूं, उसके बाद में जो मैं कराऊंगा उसको थोड़ा फास्ट कर, ये a माइनस 3 का द होल स्क्वायर है, ठीक है, और इधर रखते हम b माइनस 2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 13 कहां गया, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके दिमाग में ये बात आ रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और ए प्लस बी भी करते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो फिक्स होता है, लेकिन प्लस के टाइम में क्या हो जाता है, प्लस 2ab होगा, है ना। तो समस्या ये समझना कि जैसे मैंने आपको बोला कि सर ये जो होगा वो 3 3 9 होगा और ये 2 2 4 होगा, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो 13 ही आने वाला है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने अभी ये बात देखा होगा कि जैसे ही आपने ये काम किया आपको ये बात देखो सर ये a माइनस 3 का द होल स्क्वायर है प्लस b माइनस 2 का द होल स्क्वायर है, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। अगर स्क्वायर का समीशन 0 के इक्वल है तो आपको पता होना चाहिए कि a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2 होगा। सभी सभी एक बार इसको देखते हैं, सभी सभी को ये बात समझ में आई होगी, है ना, उम्मीद करते हैं। सबसे पहला मेन काम क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर इसको कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाए, क्या बनाए भाई, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 3a माइनस 2b प्लस 5c किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देखना, मैं चाहूंगा कि ये काम आप करें भी, मैंने आपके लिए टाइमर भी दे रखा है, सभी सभी एक बार करेंगे, है ना, सभी टाइम इसलिए देता हूं कि आप थोड़ा सा कुछ काम कर पाए, है ना।
देखो अगर हम लोग यहाँ पे ये बात देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिए हुए, करेक्ट है ना। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एरर भी हो सकता है, क्योंकि जब ये कंडीशन आप देखते हो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करते हो, करेक्ट है ना। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जब सी करेंगे, अगर हम वैल्यू उसको रखते हैं, समझना मेरी बात को, तो क्या होगा? आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर वो तो हम किसी के इक्वल कर सकते हैं। तो एक्चुअल क्या होता ना, जैसे मैंने ए के इक्वल कर दिया, बी को ए के इक्वल कर दिया, तो थ्री ए माइनस माइनस टू बी प्लस फाइव टू ए प्लस फाइव ए कर सकते हैं। तो एट में से टू को हटाओगे तो क्या होगा भाई, सिक्स ए ही होगा। तो ऐसा चीज है ना कि थोड़ा सा ये एरर है, ऐसे कंडीशंस में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू। एक्चुअल में ये मैं देखना चाहता था आप सभी से, है ना, थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी। ये जो क्वेश्चन ऐसा रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल है, ये क्वेश्चन था। बस आपकी समझ बढ़े इस कारण मैंने ये काम किया था। ठीक है, अगर मैं इसके अगर सब्ट्रैक्ट का साइन दे देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, सर ये जो कंडीशन है वो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू है ना माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, करेक्ट। तो ये ऑलवेज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने अभी जस्ट आपको राइट डाउन भी कराया होगा, देखना यहाँ पे मैंने राइट डाउन भी कराया मेरे प्यारे बच्चे, देखना ये दिख रहा है, ये फोर्थ नंबर कंडीशन है ना, करेक्ट। तो ये काम आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, हम जो इस ये क्वेश्चन के लिए ही ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो जैसे हम ए की वैल्यू रखेंगे जीरो, बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, जीरो ही होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, है ना, सारे बच्चों के दिमाग में ये आती है वो वैल्यू रख देते हैं ए बी सी का, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन में से सब्ट्रैक्ट का साइन हटाया था, ठीक है, और आपको टाइम भी दिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एक मिनट का मैं टाइमर भी दे देता हूँ आप सभी के लिए, जल्दी से करेंगे इसको, ठीक है, सभी सभी इसको जल्दी से थोड़ा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं फ्रेम में से इसलिए हट जा रहा हूं ताकि आपको तमाम चीजें देखने को मिले, ठीक है। देखना ये प्लस का साइन है, ठीक है, ये प्लस का साइन होगा। अलजेब्रा में एरर देखने को मिलता है, ये टाइपिंग एरर है और कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको जो ये क्वेश्चन दिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको ट्राई भी किया होगा, ठीक है। जैसे अभी हमें ये समझना होगा कि सर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसके बाद में 2x होगा, इसके साथ में 6y होगा, करेक्ट। तो आप मुझे एक बात बताना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, हाँ ना, प्लस 2x है, समझना मेरी बात को, ठीक है। इन दोनों में आपके दिमाग में ये बात आएगी, सर दो तो हमारा कॉमन होता है और एक x रहा होगा तो कहीं ना कहीं 1 रहा होगा, करेक्ट है ना। तो ये अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समझ बनाने की जरूरत। जैसे y के लिए मैं कह दूं, तो y के लिए 2ab का काम कौन करेगा, 6y करेगा। तो 6y में दो, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप सभी को सबसे पहला काम क्या करना होगा, वो 2ab को देखना होगा, ऑलवेज ऑलवेज ये काम करते रहना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सभी समझिए। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सर y फिक्स है, तो y लिख देंगे, अब क्या बचा रहेगा भाई, 3 बचा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप मामलों को सेट करोगे और साइन को भी देखते चलोगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात है, सर प्लस क्यों किया, पूछो कैसे,
मुझे दोनों की साइन प्लस ही दिख रहे थे, क्या दिख रहे थे भाई, प्लस दिख रहे थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करोगे तो समेशन करने के बाद में पॉजिटिव ही होता है, इसलिए सब्ट्रैक्ट से जगह उसको मैंने प्लस किया होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी आपके दिमाग में ये बात आ गई हो, तो ये एक्स एक्स ये बात आपको दिख रही होगी, एक्स प्लस वन का द होल स्क्वायर है ना, ठीक है, और ये क्या है भाई, वाई प्लस थ्री का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मेरे प्यारे बच्चों आपके दिमाग में ये बात आ भी रही होगी, सर यहां से x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू माइनस वन हो गई, इन सबको जीरो के इक्वल करोगे, और जैसे ही आपने जीरो के इक्वल किया आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू माइनस वन आएगी और y की वैल्यू माइनस थ्री होगी। आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आपके दिमाग में ये बात आने से वन का स्क्वायर वन और थ्री का क्यूब क्या, थ्री का स्क्वायर क्या होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, जब इन दोनों को ऐड करते तो टेन हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई दिस कोलावेरी, आपको ये बात समझनी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा हवन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको नहीं अगर देखने के बाद में कर लेते हो तो ज्यादा बेटर है, बस आपकी नजर होनी चाहिए। सर इसमें से जो है ना ऐसा करते हैं ना कि दो को फिक्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, दो को फिक्स कर लेते हैं, ए वाला पार्ट तो आपको वाई दिख ही गया और सिक्स बनाना है तो थ्री कर लो, है ना, एज इट इज टू तो हमारा कॉमन है, ए वाली पार्ट एक्स दिख रही है तो कहीं ना कहीं अगर टू एक्स है तो बी वाला पार्ट वन रहा होगा, और साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट रख दो। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव का साइन है तो मैंने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर किया, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर किया। चलिए सभी चलिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे सभी, हाँ ना, मैं इसके लिए टाइमर भी दे देता हूँ आप सभी को, आप सभी को टाइमर दे देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, हाँ चलिए एक एक इजी सा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सभी, उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको समझ में आएगा भी, हाँ ना, और ये छोटी सी टॉपिक है इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको समझ आएगी, ठीक है। और ऐसे वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे सरकारी परीक्षा पे, है ना, उसके पीछे रीजन भी है, ये आपके एग्जाम होने वाले हैं अभी, और अभी जब होने वाले हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसकी बात की समझ होनी चाहिए, ठीक है। घंटी बजी, घंटी बजी, देखो हम क्या करते हैं ना, ये 6a होगा 6b होगा 6c होगा, तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, माइनस 6a आएगा, माइनस 6b उधर से उठ के आएगा, माइनस 6c आएगा, और प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समेशन वाला मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर मैंने जीरो के इक्वल लिया था, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, करेक्ट, और ये बात आपको समझ में आ भी रही है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें दो तो फिक्स होता है, हाँ ना, और ए फिक्स है तो तीसरा नंबर क्या होगा, थ्री होगा, करेक्ट, तो ये क्या होगा, थ्री टू जो सिक्स ए होगा, करेक्ट। अगर मैं इसी की बात करूं तो आपके दिमाग में ये बात आएगा सर टू होगा, हाँ ना, बी की जगह क्या होगा भाई, बी ऑलरेडी है और ये थ्री रहा होगा, सारे बच्चे बोलोगे हाँ, तो ये सब अब लिखने की जरूरत नहीं होगी, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ रहे हो, ठीक है। देखो आपको जैसे ये दिखा आप सीधा करोगे सर ए तो एक रहेगा, है ना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का साइन प्लस का साइन देके सब्ट्रैक्ट का साइन ये उलझन होती है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना या प्लस होगा उस पे देख लेते हैं, ए तो अपने पास में सब्ट्रैक्ट का साइन है तो सब्ट्रैक्ट दे देना, दो कॉमन है तो दो को डिवाइड कर दो, ए है तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो थ्री होगा, तो ये ए माइनस थ्री का द होल स्क्वायर होगा, एज इट इज इसकी मैं बात करूं तो ये क्या होगा भाई, बी माइनस थ्री का द होल स्क्वायर होगा, और ये सी माइनस थ्री का द होल स्क्वायर, और ये जो 27 आपको दिख रहा है अगर b स्क्वायर करोगे तो इसमें से 3 3 से 9 होगा, इसमें से 9 तीनों को ऐड करोगे तो 27 रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सभी को जीरो के इक्वल करते हैं, हाँ ना, तो यहां से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 3 देखने को मिलेगा, सारे बच्चे बोलोगे हाँ, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, क्या भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या होगा भाई, 9 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है,
ऑप्शन सी है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको इतनी बातें समझ में आ रही है। ठीक है सभी, एक बार इसको ट्राई करना, सभी सभी एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है, करेक्ट? ठीक है सभी, आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, सभी सोचो सोचो, सिर्फ आपको 2ab पेयर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है, इतनी बात समझ के रखना है आप सभी को, है ना सभी। एक बार करते हैं क्योंकि टाइम निकला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक, घंटी बजी, चलिए देखना इसको, आपके दिमाग में ये सब चीजें दिख रही होंगी, है ना, 4a स्क्वायर के साथ में माइनस 4a होगा, है ना, प्लस 9b के साथ में b स्क्वायर के साथ में क्या होगा भाई, ये प्लस 6b होगा, ठीक है, प्लस c स्क्वायर के साथ में क्या होगा भाई, माइनस 2c, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली बात समझना कि ये 4a स्क्वायर है, तो आपके दिमाग में ये बात होगा कि ये 2a का द होल स्क्वायर होगा, ठीक है, एज इट इज अगर मैं बात करूं 9b स्क्वायर को के बारे में डिस्कस करूं, है ना, तो ये जो होगा वो क्या मिलेगा भाई, आप कहोगे 3b का द होल स्क्वायर होगा, है ना, करेक्ट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सर ऐसा है कि इसमें तो दो कॉमन होता है और नेक्स्ट वाला टर्म 2a आ गया, तो कहीं ना कहीं ये जो रहा होगा वो माइनस 1 रहा होगा, तभी तो ये आएगा, करेक्ट। b पे डिस्कस कर लेते हैं, इसमें दो तो कॉमन होता है और ये 3b है, तो नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, दो तो मैंने आपको बोला है कॉमन ही रहता है, हाँ ना, एक सी है और चूंकि सब्ट्रैक्ट का साइन है तो नेक्स्ट वाला टर्म माइनस 1, करेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों आपको जैसे ही ये बातें दिखी होंगी आपने एक बात सोचा भी होगा, ठीक है, और सोचना चाहिए भी कि अब ये जो है वो क्या है भाई, 2a माइनस 1 का द होल स्क्वायर है, इधर देखना, प्लस प्लस 3b प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस c माइनस 1 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई 2 होगी, और b की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 बाई 3 होगा, और c की वैल्यू माइनस 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 प्लस 1 होगा। आपसे जो क्वेश्चन में वो पूछा है a माइनस बी प्लस सी पूछा है, a की वैल्यू 1 बाई 2 है और चूंकि b की वैल्यू माइनस में, तो ये प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा, c की वैल्यू 1 है, जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 प्लस 2 प्लस 5, तो इसका आंसर जो होगा वो 11 बाई 6 ही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चंस पे सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस वो 2ab पे होता है, जिसपे मेरी फोकस रही, देख रहे हैं ना, मैंने भी तो इसी पे फोकस किया, है ना, आपको भी इसी पे फोकस करने की जरूरत थी, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्या होगा भाई, ऑप्शन बी होगा, आपको ये करना होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होंगी, है ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क खुद से ट्राई करने के लिए दे देता हूं, आप सभी बच्चों को ये होमवर्क दे देता हूं, है ना, ये छोटी सी बात, मैंने छोटी सी टाइम में आपको बहुत सारी बात सिखाने की कोशिश की, मेन मेरा मोटो क्या था कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बना पाओगे, वो बात हो रही थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे और इस वीडियो के एंड में जरूर आप सभी कॉमेंट करोगे। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, करेक्ट, सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, मैं जय हिंद करने से पहले एक बात चाहूंगा भी, आप इसको ध्यान देना, ये जो कंडीशंस मैंने बताया, ये कंडीशंस आप अपने जब तक एग्जाम में हो, जब तक एग्जाम दे रहे हो, ये चारों कंडीशंस अपने दिमाग में रखना, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है दोस्तों।